हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकम इन्वर्टर में चार्जिंग विभाग की। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग ऐसी है जिसके पिन नंबर 26 से चार्जिंग पल्स निकलती है, यानी कि आपका मेंस अगर ऑन है तो चार्जिंग पल्स पिन नंबर 26 पर आपको लगभग आउटपुट हाई मिलेगा। और यहां पर आपको देखेंगे कि वह एक 1.5 के रेजिस्टेंस के द्वारा ये इसको नेगेटिव पल्स दी गई है। उसके बाद ये पल्स सीधे U2 यानी कि IC नंबर 2 पर 555 IC पर पिन नंबर 4 को ये सप्लाई दी गई है। पहले हम जानेंगे कि ये 8 पिन की IC है। एक तरह से ये देखा जाए तो ये टाइमर IC है, 555 बहुत पॉपुलर IC है। और जो पिन नंबर 26 से जो पल्स आ रही है वो डायरेक्ट आपको पिन नंबर 4 पे आ जाएगी, जिस पे आपको पल्स 5 वोल्टेज मिलेंगे। तो उसके बाद ये देखिएगा कि पिन नंबर 1 इसका ग्राउंड होता है और पिन नंबर 8 इसकी पॉजिटिव पिन होती है। पिन नंबर जो आपका 7 है जो उसमें 39 किलो के द्वारा आपको पॉजिटिव वोल्ट दी गई है। ये देखिए आपको पिन नंबर 8 है, ये पॉजिटिव वोल्ट है और ये पॉजिटिव वोल्ट जो है आपको डायरेक्ट 5 वोल्ट दी गई है। और इस 5 वोल्ट को आप पिन नंबर 8 पर देख सकते हैं और वही 5 वोल्ट आपको रेजिस्टेंस के माध्यम से पिन नंबर 7 पर दी गई है जो है 39 किलो और 4K7 के द्वारा ये आपको पॉजिटिव पल्स मिलती है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पिन नंबर 5 है ये 0.101 PF के द्वारा अर्थ की गई है और इसकी जो पिन नंबर 6 है वो भी 47 PF के द्वारा अर्थ है और उसकी एक छोर आपको पिन नंबर 2 से कनेक्टेड है और वो आपको पिन नंबर 7 से आपको कनेक्टेड है। तो दोस्तों इस तरह ये फ्लिप फ्लॉप का काम करती है जिससे ये पल्स पैदा करती है जो पिन नंबर 3 के द्वारा ये आउट होगी। तो अब हम देखते हैं कि देखिए पिन नंबर 7 के बाद जब ये पिन नंबर 3 पर आपको पल्स मिल रही है तो ये पल्स आपको जाएगी जो आपकी ट्रांजिस्टर है जिसके द्वारा आपको जो छोटी वाली चार्जिंग की DT लगी होती है उस पर ये पल्स जाएगी। तो इसको हम देखेंगे कि ये कैसे जा रही है। ये पिन नंबर 3 से आपका जो पॉजिटिव 5 वोल्ट पल्स है ये जाएगी। अगर यहाँ पर आपको 5 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस देखने होंगे कि आपको 5 वोल्ट पल्स क्यों नहीं जा रही है। अगर यहाँ पर पिन नंबर 3 पर आपको पल्स आ रहा है तो देखेंगे कि ये पल्स आपको यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है BC147 के बदले C100 यहाँ पर लगा रहता है, बिल्कुल BC147 की तरह ये काम करती है लेकिन उससे हाई एम्पियर की ट्रांजिस्टर है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 270 किलो का 270 वोल्ट और 140 वोल्ट के जो 140 वोल्ट वो चार्जिंग टेपिंग होती है वो टेपिंग आपको एक MOSFET के एनोड या कैथोड पर आपको मिलेगी। और अब ये देख सकते हैं इसका इसमें 2 SCR लगे हुए हैं और एक ट्रांजिस्टर, एक आउटपुट ड्राइवर ट्रांसफार्मर है जो और एक ऑसिलेटर ट्रांसफार्मर है जो ऑसिलेशन का पैदा करता है ताकि इस जो SCR है उसके गेट पर ये पल्स दे सके। तो देखते हैं कि देखिए ये हमारे पिन नंबर 3 से ये जो सिग्नल आया इस ट्रांजिस्टर के जिसमें लगा है 2.2 किलो के रेजिस्टेंस के द्वारा बेस में जाता है, उसका एक पिन 4K7 के द्वारा अर्थ है और इसका आप देखेंगे कि एक पिन जो है वो अर्थ किया गया है और वो एक जो छोटा ट्रांसफार्मर है जिससे चार्जिंग पल्स दी जाती है
यानी कि चार्जिंग ट्रांसफार्मर के लिए जो उपयोग किया गया है उसके एक सिरे पे जाता है, जबकि एक सिरा उसका पहले से ही पॉजिटिव से कनेक्ट है और बीच में एक जनरल डायोड एक डायोड लगा हुआ है ताकि इसकी कपलिंग की गई है। और उसके बाद ये देख सकते हैं कि इसका एक सिरा एक सिरा जो है जो डायोड के माध्यम से और रेजिस्टेंस के माध्यम से एक ट्रांजिस्टर के गेट पर गई है और उसका दूसरा जो है वो आपको डायोड और रेजिस्टेंस के माध्यम से आपको दूसरे एसीआर की यानी कि एक एसीआर उसी एसीआर की कैथोड पे गई है ताकि ये पल्स पैदा कर सके। और ठीक यही चीज दूसरे मॉस्फेट जो है दूसरे सॉरी मॉस्फेट कर रहा हूँ दूसरे एसीआर में आपकी गई है और ठीक यही काम हूबहू ये भी करते हैं। उसके बाद दोस्तों इससे जो लगभग 0.2 वोल्ट के आसपास लगभग 1 वोल्ट से 2 वोल्ट के आसपास इसमें पल्स पैदा होती है जिससे आपके गेट पर पल्स देती है और इस पल्स से आपका गेट ऑन हो जाता है और जिससे आपकी चार्जिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही ये चार्जिंग पल्स जब पैदा हो जाएगी तो आप देखेंगे कि ये गेट जो है ऑन होने के बाद आपको एनोड और कैथोड से सप्लाई आपस में प्रवाह करने लगे। तो यहाँ पर आपको दो एसीआर लगे हुए हैं जो एक एसीआर की कैथोड दूसरे एसीआर की एनोड से और दूसरे एसीआर की एनोड पहले से एसीआर की कैथोड से जुटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 140 वोल्ट के लिए हमारे रिले पर 220 वोल्ट या जितना भी इनपुट वोल्ट है इनपुट वोल्ट आ गया और कॉमन के माध्यम से ये एसीआर के कैथोड में चला गया है और यही एसीआर के कैथोड दूसरे एसीआर के एनोड से जुटा हुआ है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो एसीआर का एनोड से जुटा हुआ है और हमारा पल्स जब मिलेगा जो डीटी से पल्स हमारा मिलता है तो हमारा एसीआर ऑन हो जाएगा और ऑन होने के बाद यहाँ पर हमारे जिससे इसके अगर हम कैथोड पे मिल रहा है तो इसके एनोड से हमारे आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसका कैथोड इसके एनोड से जुटा हुआ है और इसका जो दूसरे एसीआर का एनोड है वो उसके पहले वाले एसीआर के कैथोड से जुटा है। इससे ये एसीआर की एम्पियर भी बढ़ जाती है और इसकी चार्जिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। और ये दोस्तों लेकिन आजकल जो है सिर्फ एक ही एसीआर लगता है बीटीए लगता है बीटी 136। और देखिए इसके बाद जब आपका गेट पल्स मिल गया तो ये आपका सप्लाई ऑन हो जाएगी और जब ये सप्लाई ऑन हो जाएगी तो ये सीधे आपको ये जो चार्जिंग पिन है जो चार्जिंग टेपिंग है वो चार्जिंग टेपिंग पे चली जाएगी और जिससे आपकी बैटरी पर जब चार्जिंग टेपिंग मिल जाती है तो उधर आपके मॉस्फेट के द्वारा जो अभी चार्जिंग के मोड में यहाँ पर रेक्टिफायर के काम करते हैं उससे आपकी चार्जिंग होने लगेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमको चार्जिंग फॉल्ट देखना है तो हमको पहले यहाँ से देखना होगा। हम आईसी पर से नहीं देखेंगे, पहले हम दोस्तों जो चार्जिंग टेपिंग है वहाँ से देखेंगे और ऐसे ही हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं देख सकते हैं कि हमारी जो चार्जिंग पिन है वहाँ पर वोल्ट पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। अगर नहीं पहुँच रहा है तो हम पहले एसीआर पर देखेंगे, अगर एसीआर पर भी वोल्ट नहीं आ रहा है कैथोड या एनोड पर तो हम उसके बाद पहले रिले पर देखेंगे। और ऐसे ही दोस्तों ये पल्स का काम कर रहा है और ये देख लीजिए यहाँ पर ये पल्स ऐसे ही सप्लाई होते हुए आपको इनपुट से आउटपुट की तरह काम करता है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं ताकि उसकी चार्जिंग कैपेसिटी मजबूत हो सके और उसको बैलेंसिंग मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा चार्जिंग के कुल फॉल्ट, ये सुकम का डिजाइनिंग। धन्यवाद दोस्तों।